जयसवाल ने राजकोट में तूफानी शतक जमाया, टेस्ट में T20 वाला मजा दिलाया, जयसवाल ने दिया बेसबॉल का करारा जवाब। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के युवा ओपनर यशस्वी जयसवाल ने तूफानी शतक ठोक दिया। जयसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बेसबॉल की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी का टेस्ट क्रिकेट में यह तीसरा शतक रहा और इस सीरीज का दूसरा शतक। इससे पहले यशस्वी जयसवाल ने विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक जमाया था और राजकोट में तो यशस्वी जयसवाल ने इंग्लैंड को उन्हीं के स्टाइल में करारा जवाब देते हुए इंग्लिश गेंदबाजों का धागा खोल दिया। यशस्वी ने मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बरसात करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का पसीना छुड़ा दिया। यशस्वी की इस दमदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। आपको बताएंगे कि कैसे एक वाक्य ने यशस्वी जयसवाल को गुस्सा दिलाया और उन्होंने ये तूफानी शतक जमाया। लेकिन उससे पहले अगर आप यशस्वी जयसवाल के फैन हैं और आपको उनकी ये पारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को जीत पाएगी, क्या भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना पाएगी। यशस्वी ने दिखाया अपना यश। यशस्वी जयसवाल ने भारत की दूसरी पारी में शुरुआत काफी धीमी की। उन्होंने अपनी पारी की सदी हुई शुरुआत की और जयसवाल ने अपनी पारी की पहली 70 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 30 ही रन बनाए थे। वो काफी धीमा खेल रहे थे लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे यशस्वी जयसवाल गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने टेस्ट में T20 स्टाइल का मजा दिलाया और चौके छक्कों की बरसात करते हुए धमाकेदार शतक ठोक दिया। जब यशस्वी जयसवाल 30 रन बना चुके थे तब इंग्लैंड के ओपनर बेन डकिट ने यशस्वी जयसवाल को कुछ कहा जिससे जयसवाल को गुस्सा आ गया और इसके बाद उन्होंने जिमी एंडरसन के अगले ही ओवर में 19 रन ठोक दिए। इसके बाद तो जयसवाल का बल्ला रुका ही नहीं, वो चौके छक्कों की बरसात करते रहे और इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ाते रहे। उन्होंने टेस्ट में T20 स्टाइल के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी सेंचुरी ठोक दी। जयसवाल से बेसबॉल को दिया करारा जवाब। राजकोट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान में बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला। ये तूफान इस बार बेसबॉल से नहीं बल्कि यशस्वी जयसवाल के बल्ले से आया। यशस्वी ने जहां अपनी ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ी और टीम इंडिया को इस मुकाबले में भारी बढ़त दिलवाई। भारत ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 126 रनों की बढ़त ली। ऐसे में दूसरी पारी में बड़ा स्कोर बनाना ही था। यहां पर जिम्मेदारी उठाई यशस्वी जयसवाल ने। जयसवाल ने भारतीय पारी को संभाला। पहले उन्होंने थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की लेकिन आखिरी सेशन में आकर इंग्लैंड पर उन्होंने पूरी तरह से हल्ला बोल दिया और इंग्लिश टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। जयसवाल ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। इस शतक के साथ ही जयसवाल ने की वीरेंद्र सहवाग की बराबरी। जयसवाल ने की वीरू की बराबरी। यशस्वी जयसवाल के करियर का यह तीसरा शतक है। इसी के साथ उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली है। जयसवाल ने अपने करियर के शुरुआती 3 शतक सिर्फ और सिर्फ 13 पारियों में पूरे किए जबकि वीरेंद्र सहवाग ने भी ऐसा ही किया था। शुरुआती 13 पारियों में वीरू का औसत 53 का था और 3 शतक थे जबकि जयसवाल उनसे 2 कदम आगे हैं क्योंकि यशस्वी जयसवाल का औसत 62 का है और उन्होंने भी 3 शतक ठोक दिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 3 शतक जमाने वाले यशस्वी जयसवाल 7वें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग और संजय मांजरेकर की बराबरी कर ली है। इस टेस्ट सीरीज में यशस्वी जयसवाल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 80 रन बनाए थे तो दूसरी पारी में उन्होंने 15 रन बनाए थे। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने 209 रनों की पारी खेली थी तो दूसरी पारी में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए लेकिन फिर उन्होंने इसकी भरपाई इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में की जब उन्होंने ताबड़तोड़ शतक जमा दिया और टीम इंडिया को बड़ी बढ़त दिला दी। टीम इंडिया की बढ़त 300 के पार हो चुकी है और इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि शतक जमाने के बाद यशस्वी जयसवाल की पीठ में थोड़ी सी तकलीफ हुई और वो मैदान से बाहर चले गए। अच्छी बात यह है कि वो चौथे दिन इस टेस्ट मुकाबले में बल्लेबाजी कर सकते हैं और इंग्लैंड की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया को लेफ्ट हैंडेड वीरेंद्र सहवाग मिल गया है, क्या यशस्वी जयसवाल टीम इंडिया के लेफ्टी वीरू हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।